टॉप 10 बेस्ट सेलिंग एसयूवी के बारे में बात करते हैं तो 10th पोजीशन पर आती है महिंद्रा की एसयूवी 300, जिसकी 6282 यूनिट सेल हुई है। यहाँ पर यह महिंद्रा की सबसे सेफेस्ट एसयूवी है, जिसमें कि आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग में देखने को मिल जाती है, और साथ ही एसयूवी 700 में भी आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर एसयूवी 300 की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी बढ़िया सी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग देखने को मिलेगी, और साथ ही इसकी एक्सरूम प्राइस स्टार्ट होती है 8.41 लाख से और 14.07 लाख तक इसकी एक्सरूम प्राइस जाती है। अब यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया सी एसयूवी आपको देखने को मिल जाएगी, और साथ ही जो इसका नेपोली ब्लैक कलर आता है वो आपको काफ़ी शानदार लुक्स के साथ में देखने को मिलता है। 9th पोजीशन पर आती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन लॉन्च होने के बाद भी महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक की सेल्स में काफ़ी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो स्कॉर्पियो की सेल्स हुई है वो हुई है 7438 यूनिट अक्टूबर के महीने में, और एक्सरूम प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 11.99 लाख से इसके एक्सरूम प्राइस स्टार्ट होती है, और जो स्कॉर्पियो एन का टॉप एंड वेरियंट है वो आपको 23.90 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगा एक्सरूम प्राइस में। 8th पोजीशन पर आती है किया की सोनेट। यहाँ पर इस कार के आपको 7614 यूनिट सेल देखने को मिलेगी अक्टूबर के महीने में, और इसकी एक्सरूम प्राइस स्टार्ट होती है 7.49 लाख से और 13.99 लाख तक जाती है। अब यहाँ पर 7th पोजीशन पर आती है एक हाइब्रिड कार, जो कि है मारुति की ओर से ग्रैंड विटारा। हाल ही में लॉन्च हुई ग्रैंड विटारा की काफ़ी तगड़ी सेल्स आपको देखने को मिलेगी। अक्टूबर के महीने में इसकी 8052 यूनिट सेल हुई है, और जो इसकी एक्सरूम प्राइस है वो आपको 10.45 लाख से शुरू होकर के 19.65 लाख तक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसका बेस वेरिएंट आपको 10.45 लाख का देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको केवल माइल्ड हाइब्रिड इंजन देखने को मिलेगा, उसमें आपको हाइब्रिड देखने को नहीं मिलता है। इसके जो मिड वेरिएंट है वहाँ से आपको इसमें हाइब्रिड देखने को मिल जाएगा, जिससे कि ये बैटरी और इंजन दोनों से चलेगी, और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी 26-27 के आसपास। अब यहाँ पर 6th पोजीशन पर आती है ह्यूंडई की वेन्यू। काफ़ी स्टनिंग लुक्स के साथ में आती है, और साथ ही जो इसका अपडेटेड वर्जन है उसके लुक्स आपको और भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। 9585 यूनिट सेल हुई है अक्टूबर के महीने में वेन्यू की, और साथ ही इसकी एक्सरूम प्राइस स्टार्ट होती है 7.53 लाख से और 12.72 लाख तक ऑन रोड एक्सरूम जाती है। अब यहाँ पर 5th पोजीशन पर आती है किया की सेल्टोस। काफ़ी लंबे समय से इसको कोई अपडेट नहीं मिला है, फिर भी इसकी आपको काफ़ी बढ़िया सेल्स देखने को मिल जाएगी। 9777 यूनिट सेल हुई इसकी अक्टूबर के महीने में, और एक्सरूम प्राइस स्टार्ट होती है इसकी 10.49 लाख से, और टॉप एंड वेरियंट जाता है इसका 18.65 लाख तक। 4th नंबर पर आती है मारुति की ब्रेजा। जब से ब्रेजा को अपडेट मिला है तब से इसके लुक्स काफ़ी लोगों को पसंद भी आए हैं, और कई को पसंद भी नहीं भी आए हैं। यहाँ पर जो ब्रेजा का नया वाला वेरिएंट आया है उसके जो रियर लुक्स हैं वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी लोग तो कहते हैं कि ये आपको केवल रेंज रोवर की छोटी बहन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इसकी जो यूनिट सेल हुई वो है 9941, और जो इसकी एक्सरूम प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाती है 7.99 लाख से 13.96 लाख के बीच में। अब यहाँ पर 3rd पोजीशन पर आती है टाटा की एक और एसयूवी, जिसे कि माइक्रो एसयूवी कहते हैं, वो है टाटा की पंच। काफ़ी बढ़िया 10982 यूनिट सेल हुई है अक्टूबर के महीने में, और इस गाड़ी ने भी काफ़ी बढ़िया 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अचीव की है। यहाँ पर इसकी एक्सरूम प्राइस स्टार्ट होती है 6 लाख से, और टॉप एंड वेरियंट की एक्सरूम कीमत जाती है 9.54 लाख तक। अब यहाँ पर 2nd पोजीशन पर आती है ह्यूंडई की ओर से आने वाली क्रेटा। काफ़ी बढ़िया एसयूवी है, जिसमें कि आपको काफ़ी बढ़िया से लुक्स देखने को मिल जाते हैं। 11880 यूनिट सेल हुई इसकी अक्टूबर के महीने में, और इसकी एक्सरूम कीमत स्टार्ट होती है 10.44 लाख से 18.24 लाख तक। अब यहाँ पर जो नंबर 1 पर आती है वो आती है टाटा की ओर से नेक्सॉन। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आने वाली इस गाड़ी की भी सेल्स काफ़ी तगड़ी हुई हैं, और सबसे ज़्यादा ये टॉप में ही रहती है। 13767 यूनिट सेल हुई है इसकी अक्टूबर के महीने में, और कीमत की बात करें तो 7.70 लाख एक्सरूम प्राइस से स्टार्ट होती है, और 14.18 लाख तक इसकी एक्सरूम कीमत जाती है इसके टॉप एंड वेरियंट की। बाकी यही थे आज की इस वीडियो में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग एसयूवी के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।